कैसे पकड़ो ना यार, नीचे से नीचे कोई दिक्कत नहीं होता है, होश में रहा। साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसमें ये होता। अब आप याद कीजिए, अब याद कीजिए, अमेरिका के पार्लियामेंट में गोली चली तो अपराध कहाँ नहीं करते लोग, अपराधी लोग पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी। पुलिस कर्मियों पर भी गोली चला। अच्छा, 250 साल पहले CRPC का निर्माण हुआ, ब्रिटेन में जेल खाली है क्या? मनुष्य का स्वभाव है, परिवार में भी झगड़े होते हैं। पुलिस कर्मी डेफिनेटली रिएक्शन आते हैं, इसलिए कि पुलिस की जो और एक्साइज विभाग की कड़ी कार्रवाई हो रही है चारों बगल, इस वजह से इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन हम लोग इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है और जो भी कार्रवाइयां करनी है आगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। अभी जस्ट असेंबली में थे, बाहर आकर के बाकी बातों का पता चलेगा। नहीं, उनका मनोबल हम लोग तोड़ रहे हैं, इस वजह से पूरे फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बात होती है और हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। सीनियर पुलिस अफसरों पर कुछ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं आप? अगर किसी कोई भी दोषी हो, कोई भी पदाधिकारी, चाहे एक्साइज का हो, पुलिस का हो, कहीं भी अगर किसी तरह के साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई की जाती है। हाल में आपने देखा होगा गोपालगंज जिले में भी और मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस कर्मियों पर, जो चौकीदार हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। तो हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं लगातार हो रही हैं और मिलजुल के एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है और हमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। धन्यवाद। अब सर, दूसरे राज्यों से भी जो भी बड़े शराब कारोबारी हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है आपके आने के बाद, सर क्या मैसेज देने की कोशिश है और कितने बड़े पैमाने पर इस अभियान को चलाया जाएगा? देखिए, हमें होली के पूर्व और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और पुलिस विभाग, खास करके IG प्रोहिबिशन, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के लिए पोस्ट भी आज़ाद किया गया था और आपने देखा होगा हाल में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें जो बिग फिशेज हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन पर अधिक से अधिक सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।